बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। शहर भर में पुलिस के सर्च ऑपरेशन, मशकूक अफराद की पकड़ धकड़ जारी। 124 अफराद किस बुनियाद पर पकड़े गए? हर सानिये के बाद ही पुलिस को सर्च ऑपरेशन का ख्याल क्यों आता है? तहरीक इंसाफ आइंदा हफ्ते महकमे पुलिस में इस्लाहात का बिल ऐवान में पेश करेगी। नाजरीन, मुल्क भर में जा बजा दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं। ऑपरेशन जर्ब अस्त के बाद ये वही दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद अपनी कमीन गांव में जाकर छुप गए थे। अफसोस इस बात का नहीं है कि ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के हमले की जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं, बल्कि अफसोस की बात यह है कि ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इनके सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद रहकर इनकी मदद कर रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं साद रसूल, और आज के हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, साबिक आईजी। साद से मैं पूछूंगी, साद, लाहौर में माल रोड का सानहा हुआ और सैकड़ों अफराद ने अपनी जानों का नजराना दिया है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर लिया है और दहशतगर्द का सहूलतकार भी गिरफ्तार हुआ है, उसके सात भाइयों समेत उसको गिरफ्तार किया गया है। इस सारी सिनेरियो में आप पुलिस की कारकर्दगी कैसे देखते हैं और मजीद दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए क्या लाहे अमल अपनाया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया मदिया। सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस को और पुलिस की कारकर्दगी को इसके अंदर सराहना चाहिए। पुलिस ने कुर्बानियां दी हैं, पुलिस ने शहादतें दी हैं, पुलिस आज भी उन शहादतों के बाद भी फ्रंट लाइन्स पे खड़ी है, हमारे नाकों पे खड़ी है। तो पुलिस के जवानों को, पुलिस के अफसरान की बहादुरी को इसमें सराहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की कारकर्दगी इसके इस सारे सानहे के अंदर उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। दो तीन तरीकों से इसके ऊपर सवालिया निशान है। सबसे पहली बात यह कि पुलिस का जो कानून 2002 के अंदर, पुलिस का जो ऑर्डर 2002 का है, उसके अंदर जो मैकेनिज्म्स प्रोवाइडेड हैं, उसके अंदर जो तरीके प्रोवाइडेड हैं जिसके के थ्रू पुलिस के अफसरान को सिक्योरिटी भी दी जाए, उनकी टेन्योर को सिक्योरिटी दी जाए, उनको इंडिपेंडेंस दी जाए, उसके अंदर तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन का जो एक इंडिपेंडेंट मैार रखा गया है उसको अपनाया जाए, आज 15 साल बाद भी उस कानून पे पूरी तरह अमल नहीं हो सका। और ये बहुत ही अफसोस की बात है, और ये अमल पुलिस वालों ने नहीं करना, ये अमल हुकूमत ने करना है ताकि पुलिस वालों को इंडिपेंडेंस मिल सके। दूसरी बात, जो हुकूमत के आज भी इस तरह के अफसरान हैं या हुकूमत के आज भी इस तरह के कम से कम सियासी लीडरान हैं, जिसमें शायद सर फहरिस्त हमारे लॉ मिनिस्टर राणा सनाउल्ला साहब हैं, जो कि इस सानहे की शब तक कम से कम ये डिनाई करते रहे कि पंजाब के अंदर टीटीपी और इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस तरह के टेररिस्ट नेटवर्क्स मौजूद हैं। यहीं पे इसी शो पे आपके साथ ही बात करते हुए हमने उनसे पॉइंट ब्लैंक पूछा कि क्या दाएश के, टीटीपी के, आईएसएस के मेंबरान और सिंपथाइजर्स लाहौर में, पंजाब में मौजूद हैं। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक डिनाई किया इस सानहे से दो दिन पहले कि नहीं मौजूद, वो कहीं और रहते हैं, उनके सिंपथाइजर्स भी कहीं और रहते हैं, और ये पंजाब के अंदर तो ये मसला ही नहीं है, ये मसला बॉर्डर एरियाज के अंदर होगा, ये मसला सिंध के अंदर होगा, ये पंजाब के अंदर मसला एग्जिस्ट नहीं करता। और हम सबको, अवाम को, दीगर हुकूमती रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि अगर लॉ मिनिस्टर का ये पॉइंट ऑफ व्यू हो तो उस सूबे के अंदर पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर क्या ही सवाल किया जा सकेगा। लॉ मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, आज भी राणा सनाउल्ला के जो टिकर्स थे वो न्यूज चैनल्स पर फ्लैश करते रहे, उनका कहना यह था कि पंजाब में रेंजर्स की तैनाती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे साथ क्योंकि चौई साहब मौजूद हैं और उनका इसमें बड़ा वसी एक्सपीरियंस है पुलिस की फंक्शनिंग के अंदर खासतौर पर, तो ये बल्कि उन्हीं से पूछ लेते हैं। चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो पुलिस की ऑपरेशनल कारकर्दगी के ऊपर मीडिया में भी सवालात फ्रॉम टाइम टू टाइम उठाए जाते हैं, दीगर सियासतदान भी उठाते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी उठाती हैं, और दूसरी तरफ पुलिस की शहादतें भी हमने देखी इस साने में नहीं, इससे पहले भी होती रहीं, और लगता है कि अभी भी वो ऑब्वियसली फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, तो क्या पुलिस को एम्पावर करने के लिए, पुलिस को इंडिपेंडेंट करने के लिए, पुलिस के अफसरान की कारकर्दगी ठीक करने के लिए कानून के अंदर जो प्रोटेक्शंस मौजूद हैं वो इस हुकूमत ने 15 साल बाद भी पूरी तरह नहीं फाल की, इसकी क्या वजह है? मैं इस सिलसिले में सिर्फ एक बात करूंगा कि रेंजर्स जो हैं वो कोई उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है पुलिस के काम की। कराची में रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया और कराची ऑपरेशन में रेंजर्स के डिप्लॉयमेंट के बाद चूंकि उसकी कमांड और कंट्रोल
वो जीएचक्यू के पास है और उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं। आपने देखा कि कराची की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। ये बात सिर्फ इस बुनियादी तौर पर इस बात को साबित करती है कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो और वो आदमी जिसको कोई स्किल्स भी नहीं है, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो पुलिस को अगर आज़ाद किया जाए, इंडिपेंडेंट, उसको ऑटोनॉमी दी जाए और उसको प्रोफेशनलाइज किया जाए, तो मैं समझता हूँ पुलिस इससे कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। बहुत सारे लोगों की तरफ से मुतालबा ये आता है कि जी पंजाब के अंदर भी रेंजर्स को ले आओ। वो रेंजर्स को लाना इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि पुलिस एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पर काम कर नहीं सकती। अगर आप किसी को पकड़ के ले जाएं और उसको पकड़ के पुलिस ले जाए और कोई उसको जाके एमपीए, एमएनए या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कोई टेलीफोन आ जाए और उसको उठा के ले जाए, तो पुलिस की सारी अथॉरिटी डाइल्यूट हो जाती है। इसलिए जब ये पुलिस ऑर्डर आया था तो उस पुलिस ऑर्डर के ऊपर बहुत डिबेट हुई थी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और बुनियादी बात जिसके ऊपर पुलिस वालों ने, पुलिस की सीनियर लीडरशिप ने एम्फेसाइज किया था, वो बात ये थी कि हमें पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। हमारा सारे के सारा तवज्जो और फोकस जो है वो पॉलिटिकल कामों की तरफ हो जाता है और हम अपने आप को एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स के तौर पर नहीं बनवा सके। हम सर्विस के तौर पर लोगों की खिदमत के लिए हमने वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई। तो उसका एक ही तरीक़ेकार है कि पुलिस को एज आर्म ऑफ द लॉ बनाएं, इसको कानून के मतहत करें, इसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल से निकाल लें। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती है। और ये बात जी चौधरी साहब, आपने क्योंकि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की, पंजाब पुलिस के ऊपर ये तनकीद सबसे ज्यादा है। आपको याद होगा कि मॉडल टाउन के सानहे के अंदर भी यही तनकीद थी कि पंजाब पुलिस ने ना सिर्फ के फायरिंग की बल्कि एक पर्सनल मुलाजमियत के तौर पे उनकी तनकीद हुई कि जी पीएमएलएन के मुलाजिम है और वो गुल्लू भट्ट के साथ भी गले मिल रहे थे और ये और वो। जब लाहौर के अंदर धरना वगैरह हो रहा था और दीगर इश्यूज हो रहे थे, तब भी ये बात थी कि जी शायद पुलिस की कारकर्दगी उस तरह नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ही ने शहादतें भी दी हैं। क्या 2008 से जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, 2008 से अब 2017 आ गया है, 2008 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है लाहौर में, पंजाब में, क्या पंजाब पुलिस को इंडिपेंडेंट करने के, एम्पावर करने के, बेहतर बनाने के कोई मुस्बत कार्रवाई इसमें की गई इस 9 साल के पीरियड में? बिल्कुल, मेरी नज़र में तो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि ये कभी भी नहीं करेंगे। ये इनके इस मुस्लिम लीग नून जो है, इनका तो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ोर के ऊपर ये हुकूमत करते हैं, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़ोर के ऊपर हुकूमत करते हैं। बहुत सारे लोग ये डिबेट करते हैं कि पुलिस वाले इनकार क्यों नहीं कर देते। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने इनकार किया, उसका आपने अंजाम देख लिया। नेकोकारा जो SSP इस्लामाबाद था, उसको डिसमिस कर दिया और किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की, अदालतों तक ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इसी तरह से ये बहावल नगर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था, उससे ये डिमांड थी कि आप MNA साहब के घर जाकर उसको मनवा लो। उसने कहा जी मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा अगर ये तुम नहीं करते तो तुम्हें हम सरेंडर कर देंगे। वो तो फेडरल गवर्नमेंट में सरेंडर हो गया। ये ऑर्डर्स आपके अंदाजे में ये चीफ मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने भाई प्राइम मिनिस्टर जो, और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो किस तरह से इनकार कर सकती है चीफ मिनिस्टर को? इसलिए ये टोटल कंट्रोल, वो पॉलिटिकल कंट्रोल है। अब लोग ये कहते हैं कि आप लोग डिफाई करें, डिफाई कर रहे हैं लोग, लेकिन आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट्स। उनका एक अपना कैरियर है, वो अपने कैरियर को स्टेक के ऊपर लगा के एक तरफ से तो वो जाने दे रहे हैं, शहादतें वसूल कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना कैरियर को भी तबाह कर दें। मैंने देखा है इस मुल्क के अंदर ये तबाह कर दी इस पूरी ब्यूरोक्रेसी को। इट्स नॉट ओनली पुलिस, तमाम अदारे तबाह कर दिए गए हैं। ये कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान ये तय हुआ था, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अपने स्टे को एक्सटेंड करने के लिए किया गया था। साबिक आई जी हमारे साथ मौजूद हैं, याकूब साहब, हम आपसे मजीद भी इस बारे में जानेंगे। नाजरीन, अगर नेटवर्क्स जो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स हैं जनूबी पंजाब और मशरकी पंजाब में, अगर इन नेटवर्क्स को खत्म करना है तो सर्च ऑपरेशन के अलावा रेंजर्स का ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी वक्त की अहम जरूरत बन चुका है या नहीं, ये पूछेंगे IG याकूब साहब से। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।